गाइज वेलकम टू माय चैनल। और आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये होने वाला है एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग और यूजफुल यू नो स्टेप अगर आप करवा चौथ की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दिवाली की सफाई में आपको घर की क्लीनिंग के अलावा कभी भी टाइम नहीं मिला सलून जाके यू नो पार्लर जाके आपका फेशियल कराने का, या फिर अगर आपने घर पे बैठ के भी क्लीनअप भी नहीं किया है तो ये वाली चीज आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और करवा चौथ का मेकअप करने से पहले आप 2 घंटे पहले भी अगर आप इसे करेंगे तो आपकी स्किन एक्चुअली बहुत ज्यादा रेडियंट और यू नो बहुत ज्यादा ब्राइटन अप बन जाएगी। एंड हाँ, और आपका इससे मेकअप भी लास्ट लॉन्ग होने वाला है। देखते हैं आपको इसके लिए क्या करना है, चाहिए होगा सिर्फ एक इंग्रेडिएंट, सो उसी से हम ये चीज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना इस वीडियो को, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार आए हैं तो। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, उन लेडीज के साथ शेयर कर सकते हैं जो अपना यू नो फर्स्ट करवा चौथ या फिर कोई सा भी करवा चौथ रखने वाली है कल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये है वो मैजिकल इंग्रेडिएंट रॉ मिल्क, जिसको मैं मेरे मोस्ट ऑफ DIYs में यूज कर चुकी हूँ और आप जानते हो मेरा कितना फेवरेट है, बिकॉज इसके फायदे ही इतने अमेजिंग है, यू नो यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद इट। सो आपने लेना है सिंपली एक कॉटन पैड, इसको डिप करना है बड़े अच्छे से। इसे अबाउट 1-1.5 मिनट हो जाने के बाद में, जब ये पूरा एकदम यू नो मिल्क में यू नो सोक हो जाए, आपने जरा भी इसका जो मिल्क है वो स्क्वीज आउट नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज आपको अपने फेस पे डैब डैब करके लगाना है। मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ ज्यादा एक्सेस हटा लीजिए वरना आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। और आपने सिंपली इसे अपने फेस पे ऐसे ऐसे डैब डैब करके लगाना है। मिल्क में जो लैक्टिक एसिड होता है ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है। अब डेड स्किन से तो अभी आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, हाउएवर मिल्क जो है वो आपके फेस से जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, अगर आपकी एक्सेसिव ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन भी है, और अगर आपका मेकअप जरा भी नहीं टिकता तो आप डेफिनेटली इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। सो आपने सिंपली इसे डैब डैब मोशन में अप्लाई करना है, ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा रेडियंट बना देता है। लाइक लेट मी टेल यू, आपकी जो ये टिप ऑफ द नोज होगी ना, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा यू नो इट विल बी लाइक शाइनिंग ब्राइट लाइक अ डायमंड। सो आपने इसे अच्छे से डैब डैब करके लगा लीजिए, आप इसे यू नो स्ट्रेच ऐसे ड्रैग मत करिए, डैब करिए। तो बेसिकली इस स्टेप को करने का आइडिया ये है कि जो मिल्क होगा वो आपकी स्किन में सिंक हो जाएगा और आपकी जो स्किन होगी वो बहुत ज्यादा नेचुरली ग्लोइंग हो जाएगी और बहुत ज्यादा फेस्टिव रेडी हो जाएगी आपके करवा चौथ को स्पेशल बनाने के लिए। सो मेकअप अराउंड हो गए हैं 2-3 मिनट और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर सकते हैं। इस स्टेप को करने का जो बेस्ट टाइम है वो होता है मेकअप करने से 2 घंटे पहले, क्योंकि इसका जो ग्लो होता है वो बहुत ज्यादा इंस्टेंट होता है और एटलीस्ट 3-4 घंटे आपके फेस पे दिखेगा। तो डेफिनेटली आप इसे मेकअप करने से जस्ट 2-3 घंटे पहले ट्राई कर सकते हैं। इसे डेफिनेटली ट्राई करेगा अपनी स्किन को स्मूथ, फ्लॉलेस और बहुत ही रेडियंट बनाने के लिए अपने करवा चौथ मेकअप से 2 घंटे पहले। और आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। आई फिनिश माय टुडेस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा क्विक, अमेजिंग और यूजफुल लगा होगा। अगर ऐसा कुछ था आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और जितना चाहे आप इसे शेयर कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद माय न्यू वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, बाय।